नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। ब्रिटिश पत्रकार पियर्स मॉर्गन ने उड़ाया रियो में भारत के प्रदर्शन का मजाक। वीरेंद्र सहवाग ने दिया करारा जवाब, कहा, हम हर छोटी खुशी का मजा लेते हैं, लेकिन इंग्लैंड जिसने क्रिकेट की शुरुआत की वो आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सका और फिर भी वर्ल्ड कप खेलता है, क्या ये शर्मनाक नहीं। पीवी सिंधु और साक्षी मलिक पर पैसों की बारिश जारी। अब तक मिले 18.5 करोड़ रुपए, सिंधु को 13.5 और साक्षी को मिले 5 करोड़। वापस इथियोपिया नहीं लौटा ओलंपिक में विरोध करने वाला धावक। सिल्वर मेडल जीतने वाले एथलीट फैसल इलेसा ने अपने देश में राजनीतिक दमन के खिलाफ जताया था विरोध। बीसीसीआई ने पूर्व डायरेक्टर रवि शास्त्री से कम तय की अनिल कुंबले की सैलरी। कुंबले को कोच के रूप में मिलेगा 6.25 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज, शास्त्री को मिलते थे 7 करोड़ रुपए सालाना। सिंधु ने खारिज किया तेलंगाना के मंत्री का ऑफर, कहा, गोपीचंद मेरे लिए बेहतरीन कोच हैं। मंत्री महमूद अली ने की थी सिंधु को विदेशी कोच उपलब्ध कराने की पेशकश। खेल जगत की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।